नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो अभी जो है मैंने ये ब्लॉग किया है शुरू मॉर्निंग से। तो यहाँ पे जो है मेरा खाना वगैरह बन के रेडी हो गया है। मैंने बनाई है अरबी की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे देखिए, ये अरबी की सब्जी मैंने बनाई है आज और साथ में बनाई थी रोटी। तो और वैसे जो है किचन मेरे नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अभी सिर्फ थोड़े से बर्तन जो कि ब्रेकफास्ट के हैं वो रहते हैं। और ठहरिए, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। बिल्कुल जो है मैंने अपने किचन को साफ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए आप, बर्तन भी धुल गए हैं। बस थोड़े से बर्तन जो है अभी जो है सिंक में रहते हैं। थोड़े से अभी इनको धोऊंगी और फिर जो है उसके बाद हम करेंगे अपने घर की सफाई। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है अभी मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है और जो भी रहेगा वो आपके साथ आज पूरा जो है पूरा मॉर्निंग, मतलब ये जो है अभी से लेके जो है 9-10 बजे तक जो भी मेरा रूटीन रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम। तो यहाँ पे ना जो मैंने सुबह बर्तन धोए थे, सबसे पहले तो मैं रख रही हूँ उनको, क्योंकि मैं ना साथ के साथ जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं उनको निकालती रहती हूँ और फिर जो है ज़्यादा किचन जो है गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे पहले मैंने जो सूखे हुए बर्तन थे उनको पहले सेट कर लिया जगह जगह पर, जहाँ जहाँ से उनको उठाते हैं वहाँ पर। और आप धूप देख रहे होंगे किचन की खिड़की से कितनी धूप अंदर आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ना आजकल गर्मी हो गई है और पिछले 2-3 दिन से तो इतने बुरे हाल हैं गर्मी से कि पूछिए ही मत। तो और ये जो है, ये है अभी जो जस्ट जो बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है उसके थोड़ी सी 2-4 जो प्लेटें होती हैं वो है और ग्लासेस वगैरह हैं। तो इनको भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब किचन पूरी तरह क्लीन होगा, जब हम किचन से निकलेंगे तो ही हमारे जो है मैक्सिमम काम जो है ख़त्म होते हैं। मेन जो है किचन का ही रहता है। तो वैसे मैंने सेल्फ को जो है बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो पानी की छींटे वगैरह पड़े हैं ना बाद में, उनको जो है अभी क्लीन कर लूँगी। और जी यहाँ पे देखिए किचन जो है हो गई है बिल्कुल क्लीन। और अभी चलते हैं बाहर। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैं आगे कमरे में रूम में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट्स वगैरह को अच्छी तरह झाड़ लूँगी। पहले मैं जो ना दोनों कमरों की बेडशीट, सोफ़ा कवर और जो भी मतलब चीज़ें इधर उधर होती हैं उनको सेट करती हूँ, और उसी के बाद जो है फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो चलिए अभी जो है कर लेते हैं ये वाला काम, और जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद जो मैं आपसे बात करती हूँ। और यहाँ ना बच्चों के जो है अभी आज जो है यूनिट टेस्ट ख़त्म हो गए हैं और इनको हो गई हैं छुट्टियाँ हफ्ते भर के लिए, हफ्ते 10 दिन की हो गई हैं। और तो आप देख ही रहे हैं पारस जो है सुबह सुबह अपना जो है डोरेमोन लगा के बैठ गया है, और अंदर जो है बेडशीट झाड़ने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और ये कपड़े शाम के टाइम धोए थे तो अभी इनकी तैर नहीं लगी है, तो सारा काम निपटाने के बाद ही मैं इनकी फिर जो है इनको फोल्ड करूँगी। पूरे घर में जो है झाड़ू लग गया है, अब लगाऊंगी मैं पोछा। लेकिन हालत देखिए आप, पसीने से कैसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा यार सच में, 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अभी जो है जो पोछा लगाने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये है ड्रीम कैचर। तो आप लोग बताना इसके बारे में किस किस को पता है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये। चलिए अभी ड्रीम कैचर तो आपको दिखा दिया, अभी मैं अपना जो है बाकी का बचा हुआ काम कर लेती हूँ। और तब ना फिर सारा कुछ करने के बाद ही फिर अब मैं आपसे बात करूँगी। Thank you.
बच्चा लग गया है और रेस्ट कर करके जो है सारे काम हो रहे हैं। थोड़ी देर फैन के नीचे मैं खड़ी हो गई थी और अभी जो है कर लेती हूँ मैं कपड़े फोल्ड। और चलिए कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए हैं। मैक्सिमम जो रहता है साफ सफाई का काम मेरा खत्म हो गया है। और यहाँ पीछे जो आपको बोरी दिख रही है ना, वो आटा लेके आए हैं। तो अभी जो है मैं बस वही काम रह गया है, आटे का ड्रम जो है उसको जो है अच्छी तरह से धो के रख दूंगी बाहर धूप में सूखने के लिए। और जब वो सूख जाएगा तो फिर आटा उसमें जो है डाल दूंगी। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर कर दूंगी। आज जो है मैंने आपके साथ मॉर्निंग जो क्लीनिंग रहती है वो शेयर की है, और ये हर घर में ऐसा ही काम रहता है। तो बस मैंने आपके साथ अपना जो है क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग का जो है शेयर किया है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगेगा। और कल जो है मैंने की थी आपके साथ माइक्रोवेव कवर की जो है कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर, तो आई होप आपको वो वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है नोटिफिकेशन प्रॉब्लम जो है हर सबके साथ चल रही है। मुझे भी नोटिफिकेशन का जो है प्रॉब्लम रह रहा है। मुझे भी बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं UYT में, उनकी जो है नोटिफिकेशंस मुझे नहीं मिल रही है। और यहाँ मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाई है, और मैं कभी भी ना ब्लैक नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, ये जो है मैंने पहली बार लगाई है। और अंदर से जो देखिए पारस देख रहा है वहाँ से छुप के। तो चलिए फिर सुबह जो रहता है ना धूप, जो मतलब जोत वगैरह का काम रहता है वो रहता है हस्बैंड का। तो क्योंकि मुझे जो है काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए तो टाइम लग जाता है, तो फिर जोत जो है बहुत लेट हो जाती है दिलाने के लिए। तो इसलिए जो है सुबह जो है भगवान को खुश करने की ड्यूटी उनकी है और शाम को मेरी। तो अभी जो है बस फिर अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। वैसे मैक्सिमम ना मैं क्लीनिंग का काम जो है कई बार ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना था इसलिए जो है मैंने वो ब्रेकफास्ट के बाद किया। क्योंकि सुबह सुबह फिर इतनी धूप भी नहीं होती है और सुबह सुबह ही जो है घर की सफाई भी हो जाती है। आपने देखा होगा मैंने बाहर का आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि बाहर मैंने पहले ही जो है झाड़ू लगा लिया था, पहले ही जो है बाहर की साफ सफाई कर ली थी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और अभी जो है ये रोज ही आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है नहीं है, इसकी जो है आजकल लीव चल रही है, आज से इसकी छुट्टियां हैं। तो अभी बाय बाय बोल दो। बाय बाय बाय।